तो क्या जितना बंदा शोरूम में अपना 2-3 लाख रुपए ऊपर डालेगा, इससे 2.5 लाख में ना इसे छोटा बना देगा। तो उन्होंने बोला सर नंबर भी चल रहा है, तो आपके भाई ने 25,000 रुपए दिया, नंबर मिल गया ट्रिपल वाली सीरीज। और देखो डिजाइन लेने वालों से एक बार भाई जरूर है कि एक बार इस गाड़ी को ट्राई करो, देखो चला के देखो, इसकी फील बहुत अलग है। तो नहीं चाहिए तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पांच वाइटी पे। आज आपके लिए एक और गाड़ी लेके आए हैं, अपनी होंडा की तरफ से आती है ये गाड़ी। और ये है ना अपना, देखो ये अपना सेगमेंट आ जाता है अपना सेडान। सेडान के अंदर इंडिया के अंदर देखो भाई इतनी अपनी मार्केट तो है नहीं सेडान में, सबके सब जो भी चाहता है एसयूवी उठा लेता है, पर जो गिने चुने लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोग होते हैं, वो अभी भी सेडान को लेना पसंद करते हैं, सेडान कार्स को। अब देखते हैं बाकी, देखो ये मैं आपको दिखाता हूं होंडा की तरफ से आती है, इससे ऊपर एक और सेगमेंट आता है होंडा में सेडान का, और ये अपना सेडान का, उससे एक नीचे वाला लोअर वेरियंट है। तो आपको दिखाता हूँ कि भाई देखो ये वाली गाड़ी आपको साइड दिख रही होगी अपनी कौन सी है, तो नहीं दिख रही था मैं एक बार आपको उसका नाम दिखा देता हूँ। ये है अपनी होंडा अमेज, ये देखिए ये अपनी होंडा अमेज है, आप इसका कलर देख सकते हैं भाई, सिल्वर कलर लिया हुआ है भाई ने। और ये देखिए इसमें बाकी अपनी सारी चीज़ें छोटे मोटे क्रोम वगैरह करवाए हुए हैं, इसमें थोड़ी सी वो हो गई अपनी रस्टिंग हो गई है, बाकी अपने क्रोम गार्निश वगैरह लगवाई हुई है भाई ने। तो एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये अपनी जो है ना, ये अपना मॉडल है आईवीटेक के अंदर। देखो इसके अंदर जो अपना इंजन मिलता है ना भाई, वो आपको मिलता है आईवीटेक। और सबने सारे जानते हैं कि भाई होंडा सिटी के अंदर आईवीटेक इंजन आता था, और आईवीटेक अपना कितना पुराना इंजन है, कितना ज़्यादा चलने वाला इंजन था। हम भी भाई आज भी जानते हैं होंडा सिटी के अंदर जो आईवीटेक इंजन आता था उसकी कितनी वैल्यू थी, हर दूसरा बंदा सिटी को आईवीटेक के नाम से जानता था। आज वो इंजन अपना आईवीटेक वाला इसमें मिलता है। इसके अंदर देखो आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, और जो कि देखो आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 88 BHP और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क करता है जनरेट में। एक बार इसका आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ सामने से, फिर अपने भाई को बुलाते हैं और भाई से बात करते हैं। ये देखिए भाई ने मेरे को तो लगता है सिल्वर कलर लेके काफ़ी देख किया, तो चलो एक बार भाई से मिलते हैं। राशिद भाई, चलो दोस्तों अपने राशिद भाई को बुलाते हैं जो गाड़ी के ऑनर है। तो क्या हाल है राशिद भाई? हेलो, बढ़िया भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। तो भाई मेरे को ये बताओ, आपने जो अमेज लिया अपनी सिल्वर कलर की, इसका तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? भाई एकदम ओके एक्सपीरियंस चल रहा है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। मेरे को और भी मतलब बंदों ने ऑप्शन दिए थे कि भाई आप सिर्फ डिजायर ले सकते हो, और भी ले सकते हो, बट मुझे यही गाड़ी एकदम बढ़िया लगी, एकदम ओके लगी। तो चलाने वलाने में कैसी है भाई ये गाड़ी? चलाने में भाई एकदम ओके है, स्मूथ है। स्विफ्ट मतलब डिजायर से कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इसकी बॉडी भी एकदम हैवी है। हां देखो यार मेरे को दिखाता हूं, देखो स्विफ्ट अगर ऐसे करते ना यही दब जाती, पर देखो भाई फोर्स मैं लगा रहा हूँ नहीं दब रही। भाई होंडा की गाड़ी लेने का फायदा ये था, थोड़ी मजबूती मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है। होंडा में आपको पता है होंडा का नाम है यार, होंडा बंदे वही भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेंटेनेंस इसकी ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, सब मतलब स्विफ्ट के सब रेंज में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। और जैसे एक मैंने बता रहा था अपनी वीडियो के अंदर, जैसे इसके अंदर आईवीटेक इंजन आता, पुरानी होंडा सिटी में आईवीटेक आता था, और वो बंदा आईवीटेक सुनकर खुश हो जाता है कि इसमें भी आईवीटेक दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मतलब इसमें ना एक मुझे चीज खासियत क्या लगती है कि ये ना आपको पता नहीं चलने देता सामने वाले के पास बंदे में गाड़ी कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल है। अंदर बैठा है उसे ही पता है कि ये बेस है क्या है भाई। जैसे मैं बताता हूँ भाई को, एक बार रोकता हूँ कि भाई जैसे मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने पीछे देखा भाई गाड़ी पे कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ, मतलब कौन सा मॉडल है एस वगैरह बंदे कुछ भी लिख देते हैं गाड़ी में पीछे, पर इसमें भाई कुछ नहीं लिखा हुआ। तो भाई आपने कौन सा मॉडल है आप बताओ, बेस है या उससे ऊपर वाला कौन? ये बिल्कुल बेस मॉडल है, रीजन था इसके पीछे मैं ले सकता था टॉप मॉडल, पर आपको पता है अर्जुन भाई आजकल क्या चल रहा है ना, मॉडिफिकेशन। तो क्या जितना बंदा शोरूम में अपना 2-3 लाख रुपए ऊपर डालेगा, इससे 2.5 लाख में ना इसे छोटा बना देगा भाई। आज के टाइम में 2.5 लाख का करोल बाग चले जाओ, 1 लाख बोल दो भाई, 1 लाख का बजट है वो, तुम्हें एलोई व्हील अंदर से बाहर से पूरी टॉप नॉच करके दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो एक बार ना तुम्हें भाई की तरफ से एक और चीज देखा था, भाई ने इसका नंबर भी VIP लिया हुआ, ये देखो एक बार आप 5444। तो भाई ये नंबर लेने का रीजन? भाई रीजन क्या है, अपने पास एक मतलब स्प्लेंडर भी है। हाँ। तो उसका नंबर 9111 है, मैं ट्रिपल की सीरीज बहुत पसंद है। अच्छा, तो उस टाइम क्या मैंने सुजुकी में भी ट्राई किया था, मैं गाड़ी ले लेता नंबर की वजह से, नंबर की वजह से। हाँ, बस ये गाड़ी फिर मैंने होंडा में ट्राई मारी, तो उन्होंने बोला सर नंबर भी चल रहा है, तो आपके भाई ने 25,000 रुपए दिया, नंबर मिल गया ट्रिपल वाली सीरीज, और अब गाड़ी। तो भाई को भाई देखो 25,000 का भाई ने नंबर लिया, इतने की एक्सेसरीज वगैरह ले लेते यहाँ पे थोड़े पैसे डाल के इससे ऊपर का मोटर मिल जाए, लेकिन नहीं भाई अपने को लेनी थी VIP नंबर। तो चलो एक बार ना गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं भाई ने क्या क्या करवाया हुआ। चलो एक बार आप बाहर से बता दो पहले, आपने इसमें क्या क्या काम करवाया हुआ अभी फिलहाल के लिए? नहीं है इसमें, बस मैंने अभी इसका क्या करा, मैंने व्हील कैप डलवाए हुए। देखो व्हील कैप दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये भाई ने व्हील कैप डलवाए हुए हैं। कंपनी से लगवाए थे भाई ये? नहीं नहीं भाई, आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट है। और ये मैंने क्रोम करवाई हुई है इसमें, अभी सिंपल नॉर्मल क्रोम, ये आफ्टर मार्केट, लेकिन ये क्रोम गार्निश आपकी प्रॉपर। ये देखो ये बाकी अपने डोर वाइजर लगवाए हुए, अपने अंदर आपने ब्लैक शेड्स लगाए हुए हैं, इसके अलावा
अभी तो कुछ नहीं, बाकी अभी जाएंगे यार, करवाएंगे, करवाने वाले थे, बट थोड़ा सा मौसम वगैरह ऐसे ही है। अब देखो यार दिल्ली के अंदर मौसम ये हाल है, तो यार बंदे को हमें वीडियो बनाने में इतनी तकलीफ होती है, कब रखे कब मिलना है। बस 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 भाई ने टाइम निकाला, बारिश में भी आ गए हमारे लिए, चलो वीडियो बनाने के लिए हमने, चलो मिलते हैं। तो चलो एक बार राजस्थान भाई अंदर चलते हैं, फिर दे बनाते हैं आगे वीडियो। चलो 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 दोस्तों अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसमें सिटिंग स्पेस कितना है, कितना इसमें आपको लेग रूम मिल जाता है, और भाई ने क्या क्या काम करवाया, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो देखो दोस्तों इसका ना इंटीरियर देखो, डुअल कलर में आ गया, बेज और ब्लैक का आपका कॉम्बिनेशन आ गया, और ये अपना नॉर्मल देखो बेस मॉडल यहाँ पर चलता है, इसके अंदर स्क्रीन नहीं है, बाकी तो सब कुछ देखो सब कुछ आता है। एसी आ गया आपका, आपका ऑटो एसी तो नहीं आता इसके अंदर, पर हाँ भाई मैनुअल है, सही है। स्पीडोमीटर आप देख सकते हो भाई कितनी चला दी आपने अब तक ये गाड़ी, भाई आप अपनी नज़र से ही देख लो क्या चला रखी है मैंने। एक बार स्टार्ट होने देते हैं, ये 15,000 गाड़ी चली है आपकी बस, और 3 साल हो गए इसे। 3 साल में 15,000 भाई गाड़ी चलाते हो खड़ी रखते हो, ये बताओ राशिद भाई। अभी क्या है ना, आपको पता है जब तक झोटा ना बन जाए तो चलाने में मजा नहीं आता। हाँ, ये तो है भाई, मॉडिफिकेशन आएगी तब जाके हम इसमें कराएंगे। अब गाड़ी में काम कराने है, मैंने क्या है ना अलॉय व्हील्स इसमें जो मुझे चाहिए ना वो मिल नहीं रहे, तो मैंने पंजाब से ऑर्डर करा है, जैसे ही आएंगे फिर वो अपना लगवाते हैं इसमें, फिर उसके बाद नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। बिल्कुल भाई, एक अलॉय व्हील लगाते हुए ना इसमें एक वीडियो और बनाएंगे भाई के साथ। तो बाकी देखो इसके अंदर ना मैं एक बार लेग रूम दिखा देता हूँ, लेग रूम कितना अच्छा है देखो, और बाकी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह देखो भाई कितनी है, रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा है भाई की, कितनी भाई अपने भाई की ना 6 फीट हाइट होगी भाई। एक बार अपनी सीट एडजस्ट करना अपनी हाइट के हिसाब से भाई, अगर सीट एडजस्ट करूं अब मैं यहां पे फिट बैठा हूं। नहीं हाइट मतलब कितने उससे चलाते हो? मैं इतने इससे चलाता हूं अपना, ये रे आराम से, ये रे इतनी लंबी गाड़ी पर भाई देखो भाई बिल्कुल ही पीछे होके गाड़ी चलाते हैं हमारे, बिल्कुल ही एकदम लेट के जैसे कहते हैं ना ऐसे गाड़ी चलाते हैं पूरी मौज में। बाकी इसमें भाई देखो ये बेस मॉडल है, फिर भी चारों पावर विंडो आती है इसमें ना भाई, पावर विंडो हाँ भाई, और इसका कंट्रोल पीछे भी आगे भी है, आगे मतलब चारों साइड से विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। देखो बेज कलर की अपनी सीट्स हैं, और भाई काफी अच्छी कुशनिंग है इनकी भी, और बाकी देखो ये तो भाई ने लगवाए हुए हैं, बस एक में स्क्रीन का काम और करवा लेते भाई, तो अपने अच्छा रहा, तो कोई बंदा बता नहीं सकता कि भाई बेस मॉडल है टॉप मॉडल है, क्योंकि सब कुछ तो गाड़ी दे ही रही है इसमें। बस 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 सबसे अच्छा इसमें क्या लगता है ना, ये मारुति वालों की तरह ना दिखाती नहीं, ZXi VXi उस तरीके से नहीं दिखाती है, बस होंडा अमेज दे दी, अंदर जो बंदा बैठा है ना पता है उसे ही पता है कौन सा मॉडल है। अरे यही बढ़िया भाई, अपनी मर्जी हम कुछ भी मॉडल बना ले, कुछ भी बना, कल को टॉप बनाए या बेस बनाए वो हमारे ऊपर है। बस 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 बाहर से भाई मैं खुद सोच रहा मैं पता नहीं भाई कौन सा मॉडल है भाई का ये, पर भाई अब देखा अंदर से मेरे को पता चला कि यहाँ पे बेस है, लेकिन यार बेस वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें। अब देखो भाई 5 स्पीड इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है, ये आपका एसी वगैरह का मैंने आपको कंट्रोल सिखा दिए, ये आपका डे नाइट का हो गया, मैनुअल है ये भी आपका, ठीक है, और साइड में जैसे आपके हाथ से एडजस्ट होते हैं ना। हाँ ब्रदर, बस एक थोड़ा सा यही है इसका, अगर देखा जाए तो अगर ये भी अंदर से सेट होने वाले तो वो हो जाता है, सब होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो वो भी काम हो जाएगा, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया, वो भी आ जाए जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे ना, तो इसे आप बता ही नहीं सकते कि बेस है टॉप मॉडल है। मैं उसमें लिंक डालूंगा भाई, एक बार ना इस वाले वीडियो को चेक करो, फिर अगली वीडियो देखो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले पहली वाली वीडियो देख के उसे बाद में देखना ये गाड़ी पहले कैसे थी अब कैसे है। तो एक बार देखो भाई हमारे आगे बैठे, मैं पीछे जाके एक बार स्पेस दिखाता हूं, पीछे वाली सीट पे कितना स्पेस है। बैठ रहो भाई, बैठ रहो। तो दोस्तों मैंने देखो जिस साइड अपने भाई बैठ रहा था उसी साइड जाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको उसमें कितना स्पेस है। ये अपने गेट खोला, ये राशिद भाई अभी भी अपने देखो अपने उसी सीट पे बैठे जितने बैठे हुए थे। अब देखो भाई मेरी जो हाइट है वो है अपनी 5'9" की अप्रोक्स, तो देखो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और स्पेस देखो लेग रूम कितना मिला हुआ है अभी भी। तो यार और बंदे को क्या चाहिए, इतना कम्फर्ट मिल जाएगा, और देखे जाए ना भाई 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं पीछे, 3 बंदे बहुत आराम से पीछे बैठ सकते हैं भाई। ये होंडा के कुशन्स लगे हुए हैं, देखो आइसोफिक्स सीट भी मिल जाती है भाई इसमें। हाँ आइसोफिक्स सीट्स के देखो ऑप्शन दिया हुआ है, आइसोफिक्स सीट्स के मैं दिखा देता हूँ आपने, आइसोफिक्स सीट्स इसमें के अंदर मिल जाती है इसमें बेस मॉडल के अंदर ही। अब इतनी अच्छी यार इसमें ये सब मिल रहा है, बच्चों के लिए सेफ्टी है। और भाई आगे एक बार राशिद भाई के पास आगे आता हूँ, फिर बाकी और बात आगे करते हैं। देखो एक जो चीज़ है ना इसकी टेल लाइट भाई, ये काफ़ी अच्छी लगती है, न्यू इसने वो कराया ना, जब से इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट आया है काफ़ी बढ़िया लगती है पीछे से देखने में। और बाकी कलर तो देखो सिल्वर भाई इसकी बात ही अलग लग रही है, थोड़ा सा काम वाम होते ही और बढ़िया जम जाएगी। और फ्रंट व्यू की बात करें, पुरानी वाली होंडा सिटी, दूर से बंदा बता नहीं सकता कि होंडा सिटी है, होंडा अमेज है। तो एक बार अंदर चलते हैं और भाई से बात करते हैं, भाई से कहाँ कहाँ लेके गए हैं। तो राशिद भाई जी, भाई आप हमें ये बताइए अब तक इसे लॉन्ग ट्रिप पे कहाँ का लेके गए हैं? अभी तक लॉन्ग ट्रिप पे भाई आपका भाई उत्तराखंड में अपना देहरादून, मसूरी और हरिद्वार,
और अपना जयपुर राजस्थान मतलब घूम के आ चुके, मतलब घूमती रहती है गाड़ी, वैसे मतलब 15 चलाए घूमने में, चले लोकल वगैरह नहीं चलाते, बिल्कुल रनिंग नहीं है, बस नॉर्मल चल गए। और सबसे बढ़िया बात बताऊं अर्जुन भाई इसकी ना, एवरेज एकदम दमदार है यार। अगर लोकल की बात करूं मैं तो मुझे लोकल में 14-15 का देती है और ऑन हाईवे 18-19 का ले जाती है, क्योंकि भाई देखो मैंने इसकी जितनी एवरेज देखी ना आज तक 18 से लेके 20 की एवरेज की बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल कि हमें से तुम्हें इतनी एवरेज मिलेगी मिलेगी भाई इसके। और एक चीज और है कि इंजन स्टार्ट करने के बाद देखो 4 सिलेंडर इंजन है, एक बार चालू कर दिया तो पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है बंद है, बिल्कुल बिल्कुल वो इतना रिफाइनमेंट है, इतनी ज्यादा रिफाइनमेंट है। देखो एक बार स्टार्ट करते आपको पता नहीं चलेगा अंदर बैठे ना नॉइस आई। अब ये देखो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, बिल्कुल इंजन नॉइस नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर इंजन नॉइस है ना। एक बार आप ये देखो स्टीयरिंग में हल्की सी भी वाइब्रेशन नहीं है। अब कोई कह नहीं सकता कि यार देखो गाड़ी चालू है अपनी नहीं है, हल्का सा एसी चला देते हैं। देखो आपका ब्लोवर की इस पर आवाज़ आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन गाड़ी की आवाज़ नहीं है कि गाड़ी चालू है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो एक बार आशीष भाई मुझे बताओ अपने ये सब चीज़ें काम कराने का कब तक सोच रहे हो? ये बस मुझे एक मंथ और लगेगा, मेरे एलॉय व्हील्स का वेट है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ ना अर्जुन भाई जब अगर काम छेड़ू तो एक साथ सारा कंप्लीट हो, बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरी एलॉय व्हील्स आ जाए, पंजाब से मैंने ऑर्डर किए हुए, जैसे ही वो आ जाते हैं फिर उसके साथ ही मैं सारा काम इसमें करवा दूंगा, सारा काम करवा दूंगा, बिल्कुल ओके। मैंने सोचा है सिस्टम भी लगाऊंगा, कोई देखो एंड्रॉइड अपने पता है अपन तो पुराने राजा है तो हमें म्यूजिक सिस्टम यूट्यूब ये नहीं चाहिए, हमें साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वो आएगा अपने पायनियर से, पायनियर का पूरा मैंने सोच रखा सेटअप डालना है, और फिर जो होगा वही होगा। मैंने दो बूफर की पेटी के लिए भी ऑर्डर किया हुआ है, तो काम ताबड़ तोड़ वाला ही होगा, बढ़िया करके काम हो जाएगा, मॉडिफिकेशन इसकी ऐसी आएगी लाजवाब वाली। बाकी मुझे ये बताओ कि अमेज लेने का पर्पस क्या था? अमेज लेने का पर्पस ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, बट यही है कि मुझे कोई सिडान गाड़ी लेनी थी। अच्छा, और मेरे पास और भी ऑप्शन थे, बट एक ये गाड़ी है कि जिसमें एक बंदे की क्लास पता चलती है। हाँ। ये गाड़ी रेयर है, बट जिस पे है वो बंदा वही बंदा इसकी, मतलब देखो मैं बताता हूँ भाई का कहना है, सिलेक्टेड बंदे होते हैं ना वो होंडा की तरफ जाएंगे, बिल्कुल। आज के टाइम में आप देखोगे भाई भेड़ चाल वाली बात है, बुरा किसी को नहीं ना किसी गाड़ी को, देखो बंदे क्या करते हैं वरना ले लेते हैं, उससे अच्छी पावर उससे अच्छी लुक्स आप सबको सब देखो भाई होंडा सिटी ऑफर करती है, फिर भी बंदा वरना लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास वरना रीसेल मिल जाएगी, पर भाई गाड़ी तुम्हें चलानी है तुम अपने हिसाब से चलो, ऐसे ही है स्विफ्ट डिजायर अपनी, इसकी कॉम्पिटिटर से स्विफ्ट डिजायर मिलती है अपने को। तो स्विफ्ट डिजायर में देखो भाई उसकी बिल्ड क्वालिटी सबको पता है, एवरेज दे देती है, बस मेन चीज है एवरेज दे देती है, लुक्स भाई ना के बराबर किसी को लुक्स उसकी पसंद आती हो डिजायर की, बस ये है एवरेज की, और मारुति के चक्कर में उसकी गाड़ी को ले लेते हैं हर कोई। तो लेकिन अमेज लेने वाले बंदे भाई बिल्ड क्वालिटी मिल गई, रिफाइनमेंट मिल गई, 4 सिलेंडर इंजन मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो भाई जी आप बताओ आपने देखी थी डिजायर? डिजायर भी देखी थी ब्रदर, मैंने डिजायर देख के आया था, बट मेरे को ना जब उस टाइम लगा नहीं, फिर एक मेरे फ्रेंड ने बोला यार अमेज ट्राई करना, तो अमेज देख के आया, पर इसमें मेरा दिल आ गया, फिर मैंने 2020 में बुक करी और अपना ये अपने घर ले आया। तो फिर मतलब एक बार चलो छोटी सी चीज और होगी, कलर प्रेफरेंस आपको यही पसंद आया? हाँ, कलर इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसमें ना जो भी आप एक मतलब इसमें ग्रे कलर में एक पिन भी लगाओगे ना तो हाँ। वो भी खिल के आएगा, बिल्कुल, और व्हाइट में यार आपको पता ओला कैब वगैरह में चलती रहती है वो, बस थोड़ा सा ये कह रहा है, थोड़ा बंदा ये सोच रहा है कि टैक्सी है बस। हाँ। एग्जैक्टली, बस फर्क क्या होता है प्लेट का, नंबर प्लेट का, वो येलो और व्हाइट का, ग्रे कलर है बंदे को ऑलरेडी पता, बंदे की पर्सनल गाड़ी है, ऊपर से नंबर वीआईपी है, नंबर वीआईपी हो गया, गाड़ी ग्रे कलर हो गई, बाकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो मुझे लग रहा भाई इंडिया में भाई पहले बना देंगे कैसी अमेज़, इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन वाली, बहुत तगड़ी बनाने वाले, बस थोड़ा सा वेट है लेवल्स का, जैसे आता है वैसे इसमें कराएंगे, और आपने भाई को चैनल पे दूसरी वीडियो मिलेगी, बिल्कुल। तो चलो इस वीडियो को राशिद भाई खत्म करते हैं, एक बार भाई सारे भाइयों को एक बार बाहर से और भी दे देते हैं एक बार और गाड़ी का, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो ये था हमारा अब तक का, देखो पूरी अमेज का जितना ओवरव्यू था, हमारे भाई को ओनरशिप रिव्यू, भाई ने जो जो बताया अपनी अमेज के बारे में, क्यों ली गाड़ी, में उन्हें क्या क्या फीचर्स पसंद आए। देखो फीचर अपनी बेस मॉडल है, अभी देखो जैसे भाई ने बताया बेस मॉडल है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई बेस मॉडल बताने वाला, अपना एंटीना हो गया ना, कोई बैजिंग आ गई, कोई बैजिंग तक नहीं आती कि भाई अपने आसपास में कोई बैजिंग हो अमेज के ऊपर कि भाई कौन सा मॉडल है कौन सा नहीं है। तो देखो देखो साइड लुक्स वगैरह, लेंथ अपनी काफ़ी अच्छी है, सेडान में भाई इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है मेरे हिसाब से। देखो डिजायर लेने वालों से एक बार भाई ज़रूर है कि एक बार इस गाड़ी को ट्राई करो, देखो चला के देखो, इसकी फील बहुत अलग है। तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो राशिद भाई शुक्रिया भाई आप आए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो दोस्तों बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।